आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक मुंडा पांडे के गांव लाला टीकर पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 30 किलोमीटर तो ब्लॉक से मात्र 20 किलोमीटर है। इस गांव के प्रधान मोहम्मद आरिफ हैं। गांव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर जिम्मेदारी का सेहरा इनके सर बांध दिया है। इन्होंने भी जिम्मेदारी निभाते हुए गाँव में अच्छा विकास कराया है। ग्राम प्रधान मोहम्मद आरिफ और सचिव कौसर अली के द्वारा स्कूलों का सौंदर्यकरण के साथ साथ सड़कों का भी काफ़ी विकास कार्य करवाया गया है। चार सालों में क्या क्या विकास यहां पर हुआ है और क्या समस्याएं अभी बाकी हैं, आइए जानते हैं ग्राम प्रधान की जुबानी। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक मुंडा पांडे के लाला टीकर ग्राम पंचायत में, जहां प्रधान द्वारा अब तक काफी विकास करवाया जा चुका है, जिसकी पूरी जानकारी हम प्रधान जी से लेकर ही आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं प्रधान जी के पास। प्रधान जी, टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। चार साल आपके कार्यकाल को पूरे बीत चुके हैं, क्या क्या विकास कार्य अब तक करवा दिए हैं? विकास कार्य कई सीसी टायर खरंजे लगवा दिए हैं और ओडीएफ हो गई ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत ओडीएफ हो गई, शौचालय से 400 शौचालय बना दिए गाँव में जी, आवास मिले हैं और 50 के करीब आवास हो गए 52 जी, और स्कूल में कार्य बहुत कराया है, कायाकल्प के अंतर्गत कराया, थोड़ा हमारी गाड़ी पर लो समर सेविल है जी, टंकी टॉयलेट में सारी सीसी टायर, बच्चों के लिए ये जो अब सौंदर्यकरण स्कूल में कराया है, तो पिछले कई सालों से और अब में आपने शिक्षा के स्तर में या छात्रों की संख्या में बदलाव देखा है, मतलब पहले से बेहतर हुआ है? हाँ, हमारे स्कूल में जब अच्छा हुआ तो बच्चे भी अधिक आ रहे हैं, टीचर वगैरह बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं जी जी, और जो उनकी व्यवस्था है खाने वाने की, मिड डे मील वगैरह को आप देखते हैं? अच्छा, खुद ज्यादा स्वयं देखता हूँ जी। यहाँ जैसे केंद्र सरकार की जो योजनाएं लागू हुई हैं, उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, या किसानों को जो सम्मान निधि का पैसा आ रहा है उनके खाते में, कितने परसेंट लोग यहाँ आपकी ग्राम पंचायत में इन सभी योजनाओं का लाभ ले पाते हैं? किसान क्रेडिट कार्ड वाले काफी हो गए, सभी हो चुके हैं जी, सम्मान निधि सम्मानित, और जो है जो पैसा है किसान वाला ये भी काफी लोगों के खत्म आ चुका है, और अभी एक 11 लाख रुपए करीब बाढ़ पीड़ित के जो खेत थे उनके किसानों का, उनका भी आ चुका है जी, जी, जी। कुछ का पैसा, और उज्ज्वला कनेक्शन के से जो HP गैस गांव में ही है अलीमा गैस HP के नाम से, करीब 3000 कनेक्शन उज्ज्वला गैस वाले उनके खराब हो चुके हैं। स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट लगवाई है? हाँ, स्ट्रीट लाइट लगवाई है। और सरकारी बिल्डिंग में स्कूल के अलावा ग्राम पंचायत में जैसे बारात घर, पंचायत भवन, ये बने हुए हैं? हाँ, पंचायत भवन बना हुआ है और एक स्वास्थ्य उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ जी, जिसमें क्या हमें एक उसकी NM की उसमें जरूरत है बैठने की जी, मतलब उप स्वास्थ्य केंद्र यहाँ बना हुआ है लेकिन कोई भी डॉक्टर ANM मतलब यहाँ पर नियुक्त नहीं है? नियुक्त नहीं है, कोई भी यहाँ बैठता नहीं है, दवाइयाँ लोगों को मिल नहीं पाती? नहीं नहीं नहीं। अस्पताल कितनी दूर है यहाँ से, मतलब दवाइयाँ लेने के लिए या इलाज के लिए यहाँ से लोगों को कितनी दूर जाना पड़ता है? करीब 12 किलोमीटर अस्पताल है सरकारी, 12 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है जी। इसके अलावा यहाँ आप अपने गाँव को सुंदर बनाने के लिए और विकसित करने के लिए क्या प्रमुख मांग आप सरकार से रखना चाहेंगे? सरकार से प्रमुख ये है साहब, एक तो टीचर बढ़ाया जाए हमारे स्कूल में, टीचर की संख्या कम है, और अब जैसे NM बैठने की सुविधा है, स्वास्थ्य केंद्र में इनको डॉक्टर बैठा है, उसके अलावा बारात घर और एक पंचायत घर के अगर और हो जाए तो बेहतर होगा। जैसा कि आपने देखा ग्राम प्रधान से हमने यहाँ बातचीत की है, काफी विकास इन चार सालों में इनके द्वारा यहाँ करवाया गया है, जैसे सीसी टाइल्स कार्य, सड़क निर्माण, नाली निर्माण, आवास भी यहाँ काफी लोगों को मिले हैं, शौचालय से गांव पूरी तरह से ODF हो चुका है, मिशन कायाकल्प के अंतर्गत स्कूलों में काफी सौंदर्यकरण करवाया गया है, लेकिन इसके अलावा यहाँ अभी भी कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिनसे लोग जूझ रहे हैं, काफी परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ता है, जैसे कि बारात घर और पंचायत भवन जो कि अभी तक यहाँ पर निर्मित नहीं है, जिसके लिए प्रधान ने यहाँ मांग रखी है। इसके अलावा यहाँ जो सबसे प्रमुख समस्या है वो एक स्वास्थ्य केंद्र को लेकर है, उप स्वास्थ्य केंद्र जो यहाँ निर्मित तो है लेकिन वहां पर कोई भी ANM, कोई डॉक्टर, दवाई, कुछ भी सुविधा यहाँ उपलब्ध नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से यहाँ लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, 12 किलोमीटर दूर जाकर यहाँ दवाई या इलाज के लिए मरीजों को परेशानी उठानी पड़ती है। अशफ अली के साथ में नाज़रीन, टुडे 24 से।